अस्सलामुअलैकुम माई YouTube फैमिली, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। स्टार्ट करती हैं आज की वीडियो। मशहूर पाकिस्तानी पॉलिटिशियन के घर में तलाक होगी। बात कर रहे हैं मरियम नवाज़ के बेटे जुनैद सफ़दर की, जिनकी शादी की हाईलाइट्स काफ़ी ज़्यादा चली थी और लोगों ने इनको काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी किया था। जहाँ पर मरियम नवाज़ हसीन तरीन बनकर अपने बेटे की शादी पर आई तो लोगों ने ये बातें भी की थी कि इनकी जुनैद सफ़दर की बीवी से ज़्यादा खूबसूरत इनकी माँ लग रही हैं। इस शादी पर काफ़ी ज़्यादा खर्चा हुआ था, यहाँ तक कि इस हद तक इन लोगों ने पैसे लगाए थे कि जुनैद सफ़दर की शॉल भी 25-25 हज़ार डॉलर की पहनी हुई थी। लोगों ने इनको काफ़ी तनकीद का निशाना भी बनाया, लेकिन मरियम नवाज़ को काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी कहा कि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। लेकिन बात करें इनकी, सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा अफवाहें चल रही थी कि जुनैद सफ़दर की तलाक हो गई है, लेकिन इसकी तरफ से इनकी फैमिली ने कोई भी जो है राय नहीं दी थी। लेकिन रिसेंटली कल रात को जुनैद सफ़दर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे ये बात कंफर्म करते हुए बताई कि उनकी डिवोर्स हो चुकी है और जितनी खबरें सोशल मीडिया पर फैल रही हैं वो बिल्कुल सच हैं। जुनैद सफ़दर ने साथ साथ ये भी कहा कि वो अपनी साबका बीवी के लिए दुआ करते हैं कि वो हमेशा खुश रहें, और उन्होंने सोशल मीडिया और मीडिया से ये रिक्वेस्ट की है कि ये इनका प्राइवेट मैटर है तो इसमें किसी को भी ज़रूरत नहीं है बोलने की। जुनैद सफ़दर ने जैसे ही ये बात कंफर्म की तो लोगों ने सही ज़्यादा जो है सोशल मीडिया पे हंगामा छिड़ गया और लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इनको तनकीद का निशाना भी बनाया कि जुनैद सफ़दर जिस तरह पॉलिटिशियन हैं ये लोग इसी तरह के ये लोग काम भी करते हैं। लेकिन इनकी पर्सनल वजह इन्होंने अभी तक सोशल मीडिया पे नहीं बताई कि तलाक की वजह क्या रही है। इन्होंने एक सरसरी सी बात करके इस बात को कह दिया है कि ये इनकी प्राइवेट लाइफ है और ये इसके बारे में और डिस्कस नहीं करना चाहते। इनकी डिवोर्स इनकी बीवी से हो चुकी है और ये अब दोनों चाहते हैं कि ये इन्होंने जो लाइफ में डिसीजन लिया है ये आगे करके ये खुश रहें। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ बेल आइकन का बटन दबा देंगे तो आने वाली तमाम नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ख़त्म करते हैं यहाँ पर वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।